नमस्कार दोस्तों, औषधीय गुणों का खजाना और सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाने वाले परवल, लेकिन फिर भी न जाने क्यों काफी लोग इसको खाने में मुंह ही बिगाड़ते होते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ परवल खाने का एक ऐसा स्वादिष्ट तरीका कि अब हर कोई जिसको परवल पसंद नहीं है वो भी हर रोज खुद ही किलो किलो भर लेकर आएंगे और खुद ही घर में बनवा कर खाएंगे, वो भी मेरे वाले तरीके से। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। उसके सबसे पहले जरूरत के हिसाब से परवल ले लीजिए, साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद इसके आगे और पीछे का किनारा जो है साइड पहला उसको कट कर लेंगे और इस तरह से परवल को हम छील लेंगे। सभी परवल का ये दोनों हिस्सा जो है वो चाकू से काट लीजिए और इस तरह से परवल को छील लीजिए। कोई खास मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही आसान सा काम है। सभी परवल के छिलके मैंने उतार लिए हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम लेंगे एक चाकू और उसकी मदद से इसके बीचों बीच कर लगा देंगे चाकू की मदद से कट, और देख लेंगे अगर बीज पके हो तो निकाल दीजिए और अगर बीज पके नहीं है, जैसे कि इसके अंदर बीज तो है लेकिन बीज जो है वो काफी सॉफ्ट है, ये देखिए, तो इनको हम रहने देंगे। अब सभी परवल में सबसे पहले तो हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। सारे ही परवल जो है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कट लगाकर रेडी कर दिए हैं। अब इनको तो रख देंगे हम कुछ देर के लिए साइड में और उसकी जगह आप ले लेंगे हम स्टफिंग के लिए जो मसाले इसमें यूज होने वाले हैं। वो मसालों में दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चुटकी जितना हींग और मोटा मोटा कच्चा जीरा पिसा हुआ। उसके सिवा दोस्तों मैं यहाँ पर डालूंगी 5 से 6 कली लहसुन की। आप अपने स्वाद या अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा कम इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो सारे मसाले हैं हमने लिए हुए, वो हमने ये ले लिया एक मिक्सी का जार और उसमें सारे के सारे ही हम डाल देंगे। मसाले पिसे हुए हैं, आप बोल रहे हैं क्यों डालेंगे, भाई डालिए तो सही, फिर पता चलेगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 से 2 मुट्ठी जितनी बूंदी, जिस बूंदी का हम रायता बनाते हैं या नमकीन के तौर पर जिस बूंदी को हम खाते हैं वो वाली ली है मैंने। अगर आपके पास बूंदी नहीं है तो आप जो नमकीन भुजिया या सेवैया जिसको बोल सकते हैं वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब मिक्सी के जार का ढक्कन बंद करेंगे और इन सभी मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। मसाला जो है दोस्तों वो सारा ही जैसे कि आप देख रहे हैं पिस चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम सबसे पहले तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद दोस्तों अब हम ये जो परवल हमने कट करके रखे थे उसमें चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर दोनों किनारों तलक मसाला जो है हम इसमें भर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल टाइटली हम इस तरह से इसमें मसाला भर लेंगे। सभी परवल में हमें इसी तरह से सबसे पहले तो मसाला भर लेना है। परवल जो है दोस्तों सारे ही मैंने मसाले से भर लिए हैं और उसके बाद थोड़ा सा मसाला जो है वो भी बच गया है। ये मसाला भी हमारे काम आएगा, ये वेस्ट नहीं जाने वाला है। इसको फिलहाल साइड में रखेंगे और एक कढ़ाई में रख देंगे हम नॉर्मली जितना तेल तड़के के लिए किसी भी सब्जी के लिए रखते हैं बस उतना ही गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तेल दोस्तों जैसे ही गर्म हो जाता है तो मीडियम आंच रखकर हमने ये जो परवल भरकर रखे थे उन सभी को एक एक करके मीडियम फ्लेम रखते हुए कढ़ाई में इनको रखते जाएंगे। सारे ही परवल दोस्तों मैंने कढ़ाई में रख दिए हैं, मीडियम रखेंगे फ्लेम और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे सबसे पहले तो 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि हमारे परवल एक साइड से कितने पके हैं, उसके बाद में हम इनको पलटेंगे। कुछ देर तक दोस्तों इसको पकने देने के बाद जब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे तो जो हमने लहसुन डाली थी उसकी तो बहुत अच्छी खुशबू आ ही रही है और हमारे ये जो परवल है वो एक साइड से लगभग पक चुके हैं। अब हमें बस ये करना है कि हल्के हाथ से इनको
दूसरी ओर चम्मच या पलटे की मदद से पलट देना है सभी को, ताकि ये दूसरी ओर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। मीडियम ही रखेंगे फ्लेम दोस्तों, ध्यान रहे हाई ना करें, नहीं तो परवल जो है वो तले से लगने लग जाएंगे और जलने की संभावना रह सकती है इनकी। तो सभी परवल को सबसे पहले तो दूसरी ओर भी पलट दीजिए, फिर से ढक्कन ढक दीजिए और उसके बाद इसको मीडियम आंच पर या बिल्कुल लो पर 5 मिनट के लिए चलने को छोड़ दीजिए। सिर्फ 5 मिनट तक इसको अलट पलट कर पकाने पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे ये भरवा परवल जो हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना चाट मसाला, जो इसको ज्यादा चटखारेदार बना देगा। और उसके सिवा दोस्तों, ये जो मसाला बचा पड़ा था ना, वो सारा ही अब हमको लास्ट में डाल देना है। और बस इसी वक्त फ्लेम जो है ऑफ कर देनी है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपस में मिला लेना है पूरी सब्जी में। इससे चाट मसाले का स्वाद और लास्ट में जो हमने ये बचा हुआ मसाला डाला है, उससे लहसुन का फ्लेवर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुलकर आएगा। अब सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से खुला छोड़ देंगे। अब फिलहाल हमें इसको ढकना नहीं है, नहीं तो लहसुनी स्वाद जो है वो डाउन हो जाएगा। भरवा परवल हमारे दोस्तों बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो चलिए फिर देर किस बात की, परोस देते हैं इनको एक बर्तन में। स्वाद भरी, सेहत भरी, ना प्याज चाहिए, ना टमाटर चाहिए, ना हरा धनिया चाहिए, बस घर में मौजूद सूखे मसालों के साथ ही बहुत ज्यादा सुंदर कॉम्बिनेशन बन जाता है भरवा परवल का। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। परवल हद से ज्यादा गुणवान है हर तरह से, तो ये स्वाद भरा तरीका अपनाइए, लहसुनी खुशबू वाले भरवा परवल बनाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को अपने परिवार को खिलाइए। जिनको ये रेसिपी पता नहीं है मेरी, उनके साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका आनंद ले सके। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।